Viewers, 4 years ago, it was Swachh Bharat Mission, and today, Swachhta Hi Seva. And this will continue till October 2nd. The mission and intentions are clear, to clean India by 2019. But in real sense, are we heading towards a clean India? Let us go all across the Jammu city to know the exact health and hygiene of this mission, Clean India. मैं वाल्मीकि चौक में रहती हूँ. मैं गांधीनगर की रेजिडेंट हूँ. इतना अच्छा रेजिडेंट है और पॉश कॉलोनी है, लेकिन हमारे घर के सामने बिल्कुल इन्होंने डंपिंग स्टेशन बना दिया हुआ है. ये गांधीनगर लोकेलिटी अब रहने के काबिल नहीं रही है. इनको बोलो यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना लो, हम यहाँ से चले जाते हैं. और यहाँ पर हमने सारी सफाई करवाई, किसी यहाँ पर मोहल्ले वालों ने इनिशिएटिव लेके यहाँ पर सारी सफाई कराई, फिर यहाँ पर आके इन्होंने दोबारा गन डाल दिया है. अब हम बताओ क्या करें, जहाँ पे यहाँ पे 9 वार्ड का गंद आके लोग डालते हैं. नाना नगर से आते हैं, गुरुद्वारे से आते हैं, सारी जगह से आके ये डंपिंग स्टेशन बना दिया हुआ है. अगर यही डंपिंग स्टेशन बनाना तो हर चौक में बनाया जाए ना, क्यों यहाँ क्यों बनाया जाए. मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ म्यूनसिपैलिटी वालों से कि ये इसको हटाएं, ताकि यहाँ पे रेजिडेंट आराम से रह सके. लोग इतनी परेशानी है जगह पे, रोज कूड़ा डाल देते हैं. सारा कूड़ा इधर बाहर से लेके सारी आधी सड़क मली होती है ना कूड़े की, और इधर रहना बहुत मुश्किल हो गया लोगों का. पिछले साल भी हम लोगों को डेंगू हो गया था. इधर हर वक्त जाम लगा रहता है इस जगह पे, तो उस जगह पे कूड़ा डाल के जाते हैं. ये बहुत बार मना किया है इनको, उसके बाद भी यही काम है रोज इनका. यहाँ पे इनके साथ रोज कोई ना कोई बात हो जाती है. इनको बोलते हैं हम कि यहाँ से कूड़ा उठाओ, या ये मानते नहीं हैं. रोज लड़ने पे आते हैं, रोज कूड़ा मतलब कि जो है पूरी सड़क इन्होंने घेरी होती है, और स्मेल इतनी है कि कोई मतलब कि यहाँ से निकलना हो जिसने तो मुँह पे और ढक के निकलता है. बड़े बारी हुआ है, कल भी इन्होंने बहुत इन्होंने हमारे साथ बड़ी बदतमीजी की है. इनको समझाया लेकिन ये नहीं माना. ये इन्होंने लोगों के घरों के आगे कूड़ा फेंका है. तो कूड़े का जो ढेर लगा हुआ है ना, इसे हम अपने लॉन में सर्दी में भी बैठना हो ना, वो भी हमारे लिए मुश्किल है. गर्मी में भी लॉन में बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल. मक्खियाँ और इतनी स्मेल है, कहने की बात ही नहीं है. यहाँ पे तो पूरी गांधी नगर, नानक नगर, शास्त्री नगर सारों का कूड़ा आता है. हमारा तो बाहर बैठना मुश्किल हो गया है. अगर कभी बाहर निकलना भी हो तो नाक बंद करके बाहर से निकलते हैं हम. कह रहे हैं मैं स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर रहा हूँ, इस जगह को देख के लगता तो नहीं है कुछ ऐसा हो रहा है. हम ये सब अगर नमो ऐप पे डालें, मेरे को लगता है कोई रिस्पांस आएगा उनकी तरफ से. हमारी यही म्यूनसिपैलिटी से यही रिक्वेस्ट है कि आप मोदी का आइडल बना के उनको ये जगह साफ तो करवाएं. अगला महीना पूरा स्वच्छ भारत अभियान का चल रहा है. ये जगह मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे काम चलेगा यहाँ पे गांधीनगर में. यहाँ पर सफाई का है ही कुछ नहीं है. जो सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो आते ही नहीं है. एक तो जहाँ पर ऐसी बात है कि जहाँ से एक जो अपना सफाई कर्मचारी था वो ट्रांसफ़र हो गया है, उसके बाद इन्होंने 6 महीने हो गया वहाँ पर इस लगाए हुए. इतनी सफाई की इतनी बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि हम बोल नहीं सकते. नालियाँ अपने गंदी पड़ी हुई हैं, और ये देखिए ये हाल है. जो क्या क्या करें म्यूनसिपलिटी वाले तो क्या कहना, वो आते ही नहीं. पहले 6 महीने पहले था एक बंदा, वो आता था, वो सफाई सफूई कराता था. अभी तो 6 महीने के बाद एक उन्होंने कोई लगाया ही नहीं इधर. आता कोई नहीं यहाँ पे, जितने भी होते हैं नालियाँ नूरियाँ ये वो, उनको बोलो हाँ कर देंगे, लेकिन कर कब देंगे, कहा आते नहीं है. बहुत मुश्किल है, जब भी उनको बोलो ये है वो है, ये इतने कोई मिनिस्टर आता या कोई आता फिर सफाई कर देती हैं. जब मिनिस्टर चले जाता है फिर बिल्कुल कोई सफाई नहीं करता, ना कोई आता ना जाता ना पूछता. जब बोलो भाई नाली बंद है, बोले कर देंगे, लेकिन बोलते हैं कर देंगे लेकिन आते नहीं हैं. So viewers, everyone saying that the mission and the intention of this cleanliness mission is very good, but the agencies and the people involved in this, they are not taking it seriously, and the whole population of the state is suffering from these kind of issues. With video journalist Karan Singh, this is Amit reporting for Excelsior News.